1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा वॉच टाइम आप किस तरीके से पूरा कर सकते हो। बहुत सारे भाई 6-6 महीने या साल साल भर से काम करते हैं, लेकिन उसका 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा का वॉच टाइम पूरा नहीं हो पाता। हेलो गाइस, आपका भी अगर YouTube पे एक नया चैनल है, अगर YouTube पे अगर आप भी वीडियो बना के अपलोड करते हो 2 महीने से या 6 महीने से या 4 महीने से, तो वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाला। आज मैं बताने वाला हूँ YouTube पे मोनेटाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा वॉच टाइम आप किस तरीके से पूरा कर सकते हो। बहुत सारे भाई 6-6 महीने या साल साल भर से काम करते हैं, लेकिन उसका 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा का वॉच टाइम पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन जब तक आप YouTube का एल्गोरिथम को नहीं समझो तब तक 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम आप पूरा आसानी तरीके से नहीं कर पाओगे। तो आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कौन कौन सा चीज़ आप इस वीडियो में आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने YouTube वीडियो में, जिसके लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा वॉच टाइम भी बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। तो सबसे पहले YouTube का एल्गोरिथम समझने के लिए सबसे पहले आपको YouTube का इंप्रेशन समझना होगा। इंप्रेशन का मतलब ये होता है जिस टाइम आप YouTube पे वीडियो अपलोड करते हो, वीडियो अपलोड करने के बाद आपको ये चीज़ YT स्टूडियो में जाकर देखना पड़ेगा YouTube वाले ने हमारे वीडियो को कितने लोगों तक भेजा है, कितने YouTube जो वीडियो है, वीडियो का इंप्रेशन कितने लोगों के पास भेजा है। अगर कितने लोग, अगर 100 लोगों के पास भेजा है तो 100 लोग में कितने 5% हमारा 5% व्यूवर हमारे वीडियो को देखा है या नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है तो इस नहीं देखने का कारण क्या है, अगर देखा है तो कितना परसेंट तक देखा है। तो आज के वीडियो में यही सब मैं बताने वाला हूँ। अगर YouTube वाले ने अगर आपका वीडियो का इंप्रेशन भेज रहा है फिर भी आपका वीडियो अगर कोई भी नहीं देख रहा है, अगर आपका YouTube वीडियो का इंप्रेशन जा रहा है फिर भी नहीं देख रहे, तो इस वीडियो में कमी क्या है। तो आज मैं बताने वाला हूँ, इसके कमी एक ही रहते हैं। अगर YouTube वाले अगर 100 आदमी के पास अगर आपका वीडियो का इंप्रेशन भेजते हैं, उसमें अगर 5 आदमी अगर आपका वीडियो देखते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना YouTube के वीडियो के ऊपर में जो आप थंबनेल लगाते हो, सबसे पहले आपको थंबनेल यहाँ पे चेंज करना होगा। जी हाँ, थंबनेल कुछ इस हिसाब से लगाना होगा, थंबनेल देखने के बाद कोई भी बंदे के मन में कुछ ऐसा क्रिएटिविटी जाग जाए कि इस थंबनेल को देख के उस वीडियो को क्लिक करे बगैर रुक ना पाए, कुछ इस हिसाब से आपको थंबनेल लिखना पड़ेगा। अगर YouTube वाले ने अगर आपका वीडियो का इंप्रेशन भेज रहे हैं, अगर आपका थंबनेल पे क्लिक नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको थंबनेल चेंज करना होगा। और 4000 घंटे का वॉच टाइम का बात किया जाए तो 1 महीने में या 2 महीने में ये चीज़ पूरा नहीं होता, इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर 2-2 महीना, 6-6 महीना, साल साल भर लग जाता है। हर किसी का किस्मत एक जैसा नहीं होता, हर किसी का नसीब एक जैसा नहीं होता है। किसी के YouTube चैनल पर आप देखोगे एक वीडियो डालने के बाद 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा एक वीडियो से पूरा हो जाता है, किसी के जो को 6-6 महीना लग जाता है, 2-2 साल लग जाता है YouTube पे, फिर भी उसका 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा नहीं होता। उससे वो क्या बंदा डिमोटिवेट हो जाता है, YouTube छोड़ के चला जाता है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, YouTube पे आपको पेशेंस रखना होगा। जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे तब तक आप YouTube से इनकम नहीं कर पाओगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पे सेट कर देना। जब भी मैं मोबाइल से रिलेटिव और यूट्यूब से रिलेटिव वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है।